हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। आज है 4 सितंबर, आज है वीकेंड एंड आवर वीकेंड स्टार्ट्स लाइक दिस। ऐसे कुछ पुराने गाने सुबह सुबह चला लो, मतलब पुराने गानों का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी टाइम पे। दे आर यू नो लिटिल सोलफुल, आप सुन सकते हो लंबे टाइम तक, यू नो एक के बाद एक आप सुन सकते हो काफ़ी समय तक। एंड स्पेशली लक्ष्मी को काफ़ी पसंद है, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे से ज़्यादा लक्ष्मी को पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में बन रहे हैं आलू के परांठे, वीकेंड वाइब्स, आलू के परांठे, यो। फाइनली ब्रेकफास्ट इज रेडी, आलू का परांठा विदाउट बटर इज नथिंग, नो यूज। दही इज मिसिंग, शी इज ईटिंग प्याज परांठा, आलू प्याज परांठा, मिक्स परांठा। और इसके साथ हमारा साथ दे रहे हैं ऐड, और ऐड को अगर स्किप करेंगे तो हमारा साथ दे रहे हैं शायद किशोर कुमार के गाने। और फाइनली घर से निकलते हुए काफी मशक्कत के बाद पूरे एक घंटा लगा इसको तैयार होने में। तो बताइए कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं ब्लू वाटर आइलैंड, जाने का प्लान था 4 बजे का, अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:29 हो गए ऑलरेडी, हम 1.5 घंटा लेट हैं, अंधेरा होने वाला है। वैसे भी हमको सनराइज देखना था। सनराइज, सनसेट, सनसेट होने के बाद कुछ शूट नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं अभी ब्लू वाटर आइलैंड, ये भी हमारा मैनमेड आइलैंड ही है। जैसे अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा, अगर नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई नो कि उसमें मैंने कितने एफर्ट्स किए। सो उसी की तरह ये भी मैनमेड आइलैंड ही है, सी के ऊपर मिट्टी डाल के यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया बेसिकली। लाइक आई सेड कि मैनमेड आइलैंड है, सो इट कनेक्ट्स द सिटी टू द आइलैंड थ्रू दिस ब्रिज। अगेन ब्रिज के नीचे जो है पानी रहेगा, एंड थ्रू दिस ब्रिज द आइलैंड इज कनेक्टेड टू द सिटी। सो ऑलमोस्ट पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर से काफ़ी पास में ही है, यहाँ मैप में देख सकते हैं आप। That's how it is connected. This is the island, and this is Dubai. Finally, पहुंच गए। बट आती एक बैड न्यूज़ मिली है। बैड न्यूज़ ये है कि गिम्बल और माइक यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं पता कि ऑडियो कैसे आने वाला है। आई एम श्योर बुरा ही आएगा क्योंकि बाहर बहुत शोर है, बट लेट्स सी। तो दिस इज द ब्लू वाटर आइलैंड। अभी रात में थोड़ा और बेहतर लगेगा क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर गोल गोल से, इनमें लाइटें चलेंगी, सो इट विल बी मच बेटर आई गेस इन द नाइट। तो हमने काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग कपड़े पहने हैं, शी इज़ ऑल इन ब्लैक, आई एम ऑल इन वाइट, वाइट एंड ब्लू मोस्टली। सो दिस इज ब्लू वाटर आइलैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फेरिस व्हील है ये अगर कंप्लीट होता है तो ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फेरिस व्हील हो सकता है। सो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं फेरिस व्हील है, सबको दिख रहा होगा खड़ा हुआ। अभी तक इसका काम चल रहा है, अभी तक इसमें सिर्फ एक ही कैप्सूल लगा है, टोटल 48 कैप्सूल इसमें लगेंगे जब भी ये कंप्लीट होगा। और अगर आपको लेफ्ट साइड में व्यू दे तो लेफ्ट साइड में सी है, लेट मी जस्ट शो यू, सो यू कैन सी लेफ्ट साइड में सी है, बेसिकली अगेन आइलैंड है, और जो आप सामने देख रहे हैं दैट इज़ JBR, सो जुमेरा बीच रेसिडेंस। तो वहाँ पर मरीना बीच है, और वो सारे रेसिडेंट जो आप ग्रे और येलोइश टाइप के देख रहे हैं वो ऑल आर JBR जुमेरा बीच रेसिडेंस हैं सारे, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं। और ये जो आप थोड़ी बहुत बोट्स देख पा रहे हैं ये सब रेंटल सर्विसेज वाली ही हैं, कोई भी रेंट कर सकता है, यू हैव टू जस्ट पे एंड यू कैन जस्ट टेक इट फॉर पार्टीज। तो मोटे आज मैंने दो चीज़ों का उद्घाटन किया प्रॉपरली, बता कौन कौन सी हैं, बता। एक तो मेरी कैप है, यस यस, मेरे शू कैसे दिखेंगे मेरे शू। अच्छा, इसके साथ में सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो ब्रिज जो है वो ब्लू वाटर आइलैंड को कनेक्ट करता है JBR के साथ। सो हाउ कैन यू रीच टू ब्लू वाटर आइलैंड,
अगर आपके पास गाड़ी है तो बेस्ट है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू कम हेयर। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? देर इज़ नो डायरेक्ट वे, आई डोंट थिंक सो देर आर बसेज रनिंग और एनी वे हाउ टू रीच टिल हेयर। आई गेस द इजिएस्ट वे इज़ यू हैव टू कम टू JBR। JBR कैसे आ सकते हैं? मेट्रो लीजिए, मेट्रो से ट्रैम लीजिए, ट्रैम जो आपको मरीना में ड्रॉप करेगी, वहाँ से वॉक करके JBR तक आइए और JBR से जो ब्रिज मैंने अभी आपको दिखाया था वो क्रॉस करके आप ब्लू वाटर में आ सकते हैं। सो दैट इज़ द वे यू कैन रीच टू दिस प्लेस। मोटा आज बैग पति को साथ में लाया है, ये मोटे का स्पेशल बैग है, स्पेशल ओकेजन पे निकलता है। इसको एकदम ध्यान से, इसमें सामान नहीं डालना है, ऐसे बैग सामान डालने के लिए नहीं होते। किस चीज़ के लिए होते हैं ये? शो के लिए होते हैं, क्योंकि मैंने मोटे को दिया एक अपना क्या दिया था, सैनिटाइजर। मैंने बोला बैग में रख लो, वो बैग में फिट ही नहीं आ रहा भाई, छोटी सी बोतल को दिखाता हूँ, ये बैग में फिट नहीं आ रहा। बैग का साइज देखो आप बताओ, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो फट आ जानी चाहिए, नहीं आ रही भाई, जेब में रखें क्या करेंगे। सो अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर ब्रिज की साइड, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो ब्रिज है वो कनेक्ट करता है JBR को, तो ब्रिज के मिड तक जा सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी है, बट अभी हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हमें JBR नहीं जाना है, बस ब्रिज पे जाएंगे, वहाँ से थोड़ा देखेंगे कैसा लगता है, दैट्स ऑल।
क्या प्लान है, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं? अभी गाड़ी में बैठेंगे, दो चार फोन घुमाएंगे इधर उधर, देखते हैं कि कौन हमारे फोन उठाता है, कौन है वो भाग्यशाली आदमी या फैमिली जहाँ हम जाएंगे। वैसे तो बंदे ने मना किया था जब एंट्री की थी हमने, गिम्बल यूज़ नहीं करना, बट समहाउ हम जब आए तो और भी लोग यूज़ कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सो वी ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट। भाई साहब इतनी देर मौज मार ली और ये भूल गए गाड़ी पार्क कहाँ करी थी। 15 मिनट हो गया मैं ढोलते हुए ये ढूंढते हुए कि हम घुसे कहाँ से थे, हैं मोटे कि निकले कैसे यहाँ से, और हमारे मोटे को एलिवेटर से भी थोड़ा डर लगता है, तो जब 3 एलिवेटर निकल जाता है तो 4th एलिवेटर पे मोटा चढ़ता है हमारा। बट एनीवे फाइनली विद सम रेफरेंसेस ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कुछ सिक्योरिटी हेल्प के बाद हमें फाइनली एग्जिट मिल गई, और गाड़ी तो एलिवेटर से उतरते ही सामने खड़ी है।